हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। ये मेरी मनु है जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रही है। देखो कैसे वो कैमरा लेने के लिए, मोबाइल लेने के लिए बस उसको जीत उसका जीत है जीत जीत जीत। और अभी बज गए हैं 7:30 शाम के और मैं जा रही थी कुछ बनाने के लिए, तो मैं सोची आप लोगों को वो रेसिपी शेयर कर देती हूँ और बताना ज़रा कैसा बनाया। मुझे कुछ खास बनाने तो आता है नहीं, फिर भी मैं सोचती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ वैसा आप लोगों से शेयर करूँ, और उसमें कुछ कमी रह जाए कुछ भी है तो आप लोग मुझे बताओ, है ना। तो ये मेरी बेटी है जो बस उसका यही है। और फिर मनु जो अपने डैडी के पास चली गई, अब हम चलते हैं अपने किचन की और मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मंचूरियन, कैबेज मंचूरियन, पत्ते गोभी की जो मंचूरियन होते हैं वो बनाने वाली हूँ। ज़्यादा कुछ सब्जियाँ नहीं है मेरे पास, लेकिन जितना भी है मैं उसी से बनाऊंगी क्योंकि मेरी फेवरेट डिश है। बहुत दिन से मैं मन कर रहा था खाने का, तो मैं आज वही बनाने वाली हूँ। तो चलिए हम लोग अपने किचन की ओर चलते हैं। देखो शाम के 7:30 मतलब 8 बजने वाले हैं, फिर भी यहाँ देखो उजाला है। यूपी के हिसाब से यहाँ पे बहुत लेट में शाम होता है, देखो यहाँ पे अभी भी उजाला है। यहाँ पे मैंने देखिए सभी को काट के अच्छे से रख लिया है। ये देखिए मैंने गोभी, पत्ता गोभी और जो था कैबेज, उसको बारीक घिस लिया है, ग्रेट कर लिया है, ठीक है। और आप काट भी सकते हो उसको बारीकी। ये देखिए उसके बगल में बारीक कटा हुआ प्याज है, ये जो है बॉल्स बनाने के लिए है, प्याज बारीक कटा हुआ और जो गोभी है पत्ता गोभी वो बारीक। ये देखिए ये जो है ये ग्रेवी बनाने के लिए, जो मैं बता रही हूँ ग्रेवी बनाने के लिए है। शिमला मिर्च है, कटा हुआ ग्रीन चिली है, और ये अलग से भी प्याज मैंने रखा है थोड़ा बड़ा कटा हुआ है। और ये देखिए जिंजर और गार्लिक बारीक कटी हुई है, ये है। अब ये सबको देखिए हम लोग बॉल बनाने के लिए गोभी को और जो है प्याज को अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने गोभी निकाल लिया और प्याज को भी जो अलग से रखा था वो भी ले लेते हैं। जो हम लोग बॉल्स बनाने के लिए प्याज यूज करते हैं ना वो बारीक होना चाहिए, और जो हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए प्याज यूज करेंगे वो थोड़ा सा बड़ा पीस उसके कट करिएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैं 4 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ, जिसको स्टार्च भी बोलते हैं आप लोग के यहाँ दुकानों पे बड़े इजली तरीके से मिल जाएगा। और जो है 3 चम्मच, ये देखिए मैं अभी 3 चम्मच जो है मैदा ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आपको कॉर्नफ्लावर नहीं मिल रहा है तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैं थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ इसमें और नमक, ठीक है। अब हम जो है इसमें थोड़ा सा जो आप कलर भी डाल सकते हो रेड कलर, बट मैंने नहीं डाला है, यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए सभी को मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। यहाँ पे मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो है मैंने इसमें पानी यूज नहीं किया है इसका डो बनाने में बिल्कुल भी, क्योंकि गोभी ऑलरेडी पानी छोड़ता है। और बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं गोभी में नमक ऐड करके उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं, उसका जो है पानी निचोड़ के अलग करते हैं, उसके बाद वो बॉल्स बनाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही बिना पानी जो है निचोड़े ऐसे ही डायरेक्टली बॉल बनाए। ये देखिए मैं बॉल बना रही हूँ, और मैं पूरे अच्छे तरीके से गोल बॉल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मैं रेडीमेड भी खरीदती हूँ ना, जब बाहर चले जाते थे खाने के लिए तो फिर वो ऐसे ही रहते थे टेढ़े मेढ़े, तो मुझे पूरा बॉल पसंद नहीं है, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही देखिए नॉर्मली तरीके से बॉल बना लिया है। अब ये देखिए हम लोग कढ़ैया को जो है रख दिया है गैस पे और गर्म होने के लिए, और मैंने ऑयल भी ऐड कर दिया है, वो गर्म हो गया है। ये देखिए मैं जो है कलछुल से इस तरह से क्यों लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि आप जब भी कुछ भी फ्राई कीजिए तो उससे पहले अपने जो आपका पैन है ना, जो कढ़ाई है, उसमें अच्छे तरीके से सभी जगह ऑयल लगा लीजिएगा, चिपकेंगे नहीं। ये देखिए मैंने सारे बॉल्स वगैरह डाल दिए हैं पहले ही, सॉरी मैंने वीडियो लेना जो है क्लिक करना भूल गई थी, इसलिए जो है इसमें डालते हुए नहीं दिखा पाई। मुझे लगा वीडियो चालू है बट नहीं, हो चालू नहीं था, बाद में देखा। ये देखिए मेरे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तो मैं अब इसे निकाल लेती हूँ। अभी मैं जब दूसरी बार डालूँगी बॉल्स को तो देखिए, ये देखिए ये मैंने दूसरा जो है दूसरी बार बॉल्स को डाल रही हूँ फ्राई करने के लिए, और इस तरीके से डालिएगा। और क्योंकि ये चिपकते हैं इसलिए जो देखिए कलछुल के पिछला हिस्सा जो है उसकी उसी की साइड से मैं कर रही हूँ, और
जो ऑयल है ना, अगर आपका ऑयल कम आप लिए हो कढ़ाई में, तो आप जो है ऑयल को ऊपर से, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ देखिए, इस तरीके से उछालना उसके ऊपर, ज़्यादा जोर से नहीं, ताकि आप अपना सावधानी रखना, वो बस ऊपर से भी फ्राई होने चाहिए अच्छे से, और हमेशा लो फ्लेम में फ्राई करना, ठीक है। ये देखिए मेरा वो भी हो गया। अब इसी तरह सारे के सारे जो है बॉल्स मैं फ्राई कर लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मेरा लास्ट बॉल है शायद, हाँ लास्ट बॉल है। अब ये देखिए मैंने ये भी निकाल लिया। अब ये मैं पूरे बॉल्स दिखाती हूँ। ये देखिए मेरे बॉल्स पूरे फ्राई हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन है। अगर आप रेड कलर डालते तो और अच्छे लगते, बट मैंने नहीं डाला है, मेरे पास मतलब नहीं डाला मैंने। ये देखिए मैंने जिंजर और गार्लिक जो चॉप करके रखा था वो ऐड कर दिया है। अब ये देखिए इसी के साथ मैंने प्याज, बड़े बड़े प्याज थोड़े कटे हुए थे वो भी डाल लिया, वो गोल्डन हो गए हैं। तो मैंने यहाँ शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया है। सॉरी यार, उसमें मुझे कटा हुआ जो मिर्च होता है ना वो भी डालना था, मैं भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। आप लोग ऐसी गलती मत करना, आप पहले ही डाल देना। जब जिंजर गार्लिक अनियन डालोगे ना, तभी प्याज मिर्च को भी डाल देना। ये देखिए मैंने नमक ऐड किया है, और आप चाहो तो इसमें काली मिर्च भी डाल सक काली मिर्च के पाउडर डाल सकते हो, मैंने नहीं डाला है। ये देखिए मैंने सोया सॉस डाला, और ये मैंने 1 चम्मच, और ये देखिए 2 चम्मच जो है मैंने चिली सॉस डाला है, और इसको अभी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब मैंने उसी चिली सॉस वाले चम्मच में ही मैंने 1 चम्मच विनेगर डाला है, वाइट विनेगर, ठीक है। और यहाँ पे मैं 2.5 चम्मच जो है बड़े वाले चम्मच से टमाटो सॉस डाल रही हूँ। आपके पास अगर रेड चिली सॉस होगा तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा टेस्ट आता है, मेरे पास नहीं था तो नहीं किया। ये देखिए मैंने उसको इसमें 1 चम्मच जो है कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसमें पानी ऐड कर दिया है, और उसका एक पतला सा, बहुत पतला सा घोल बना लूँगी ग्रेवी बनाने के लिए। वो जो मैंने सॉस ऐड किया है ना, उसमें देखिए मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा और डार्क जब पक जाता है तो डार्क हो जाता है। ये देखिए इस कुछ इस तरीके से ये में हमारा जो ग्रेवी है अच्छे से हो गया, ये देख देख सकते हैं बहुत डार्क हो गया है। और अब इसका टाइम आ गया है बॉल ऐड करने का। ये देखिए बॉल्स, मैंने मंचूरियन बॉल्स ऐड कर दिए हैं। अब सभी को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे हम लोग। ये देखिए हो गया ना मिक्स, लग रहा है ना जूसी टाइप का। और आपको और थोड़ा सा थिक मतलब पतला चाहिए होगा ना, तो आप थोड़ा सा जो कॉर्नफ्लावर है वो और पतला कर सकते हो। और बहुत लोगों को ग्रेवी वाला मंचूरियन पसंद है, तो वो उसकी क्वांटिटी, पानी वाली क्वांटिटी ज़्यादा कर देना। मैंने ड्राई मंचूरियन बनाया है, तो हो गया मेरा। ये देखिए जैसे कि मैंने आपको मंचूरियन दिखाया बना के, तो अब मैं जो है खाने जा रही हूँ। तो मेरी बेटी है वो, मतलब उसको चाहिए ये, मैंने उसको दे रखा है, फिर भी उसको पूरा प्लेट ही चाहिए उसको भी पसंद है। तो ये रेसिपी आप लोग एंजॉय कीजिए, और आप लोग ज़रूर बताना मुझे कि कमेंट करके बताना आप कैसा बना है, और आप लोग भी ट्राई करना, बहुत इजी है, बस कैबेज ही होना ज़रूरी है बस, और बाकी और सब तो हो जाता है, बन जाता है। तो ठीक है, मैं इसी के साथ मतलब मुझे बस यही नहीं, अभी और रेसिपी बनाना है, मतलब मंचूरियन राइस भी बनाना है, और वो मेरे हस्बैंड के लिए, तो मैं वो भी बनाऊंगी, ठीक है। उसकी रेसिपी मैंने नहीं डाला क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से बनाऊंगी, वो तो बस यही ऐसा ही बस यही सब रहेगा, उसमें राइस डाल के बस फ्राई कर दूंगी, इतना ही करना है, इसलिए लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने उसका रेसिपी नहीं डाला है, ठीक है। तो अभी इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।